मैं मैम का करने वाला हूँ। ग्लोबल हाइलाइट्स मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कलर मैं चाहती थी एक्चुअल में वही कलर आया है। रुको जरा, सबर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करने जा रहा हूँ मैम का हेयर। अरे कहना क्या चाहते हो? ऑलरेडी पहले कलर करा रखा है तो आप सभी इनके बालों की हालत देख सकते हो कितने अच्छे हैं, समझ रहे हो? ठीक है। और हम अभी करेंगे इनके कुछ अलग सा कलर करने की कोशिश करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और मैम आप कैसा कुछ डांस भी यार, ये कितनी औसम है। तो मैम अभी कलर करने के बाद हम डांस भी करेंगे, ठीक है मैम? बिल्कुल, गाना बता दो मैम कौन सी चीज पे डांस करेंगे। ठीक है गाइस, अभी हम मैम का हेयर वॉश करने जा रहे हैं तो आ जाओ। चल 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 चल। अभी हम नॉर्मल शैम्पू कर रहे हैं मैम का, ठीक है? अब हमने हेयर वॉश कर दिया है मैम का प्रॉपर। अच्छा, हमको सिखा रहा है? अब हम ड्राई करेंगे प्रॉपर। मैम ने पहले कलर करा रखी है और स्मूदिंग भी हो रखा है तो अभी हम इसी हिसाब से उनके काम करेंगे इनके हेयर पे, ताकि हेयर कम से कम डैमेज हो और रिजल्ट भी अच्छा हो। ओके। आप सब देख सकते हो जैसे कि मैम के नीचे वाले बाल बिल्कुल स्ट्रेट है और ऊपर से पैचेस आ रहे हैं, तो इनका स्मूदनिंग हो रखा है और कलर भी हो रखा है। और इन्होंने शायद पहले ग्लोबल प्लस हाईलाइट ही कराया था। हम जो बेसिक से हाईलाइट होता है उसी से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम बॉक्स एरिया क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर जो होते हैं हाईलाइट वही सेक्शन हम वही पैटर्न यूज कर रहे हैं, कुछ अलग से हम नहीं कर रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी बहुत सारे टेक्निक नए नए आए हैं जैसे कि फ्रेंच बालियाज हो गया, बालियाज हो गया, वो सब चीज़ नहीं, हम बेसिकली हाईलाइट्स और ग्लोबल कर रहे हैं, तो जो बेसिक टेक्निक होते हैं हम उसी से कर रहे हैं अभी मैम का। ओके। सबसे पहले हम बॉक्स एरिया निकाल रहे हैं जिसे कि हम क्राउन एरिया भी बोलते हैं, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग जब भी काम करो तो अच्छे से सेक्शन बिल्कुल नीड हो, ताकि काम करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। और सेक्शन अगर आपका नीड नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप सेक्शन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से निकालो। जब भी निकालो कुछ भी काम करते हो आप तो सेक्शन प्रॉपर निकालो। A few moments later. अब ये देख रहे हो मैंने भी बिल्कुल एक सेक्शन निकाला, जो बेसिक सेक्शन होते हैं ये सभी लोग निकालते हैं। हमने सबसे पहले बॉक्स निकाला, उसके बाद साइड पोजीशन, फिर बैक पोजीशन जो है ये हमने किया है, ठीक है? अच्छा, हमको सिखा रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे हाईलाइट 30 वॉल्यूम विथ ब्लेंडर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम प्रीलाइट करेंगे, ठीक है? और मिक्सिंग रहेगी 1:2 का, ठीक है? तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम ब्लेंडर के साथ कॉइल बांधेंगे हाईलाइट। ये देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम हल्की सी हेयर लेंगे, सेक्शन बिल्कुल पतली सी इसको छोड़ देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम यहाँ से लेंगे बिल्कुल हाफ इंच से भी कम रहते हैं, देन इसको सेपरेट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम हाईलाइट स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो? बिल्कुल पतली पतली हाईलाइट दे रहा हूँ मैम को, मैम को बिल्कुल पतली पतली हाईलाइट चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने बिल्कुल बारीक वाले हाईलाइट निकाले हैं। आप कस्टमर से पूछ के अपने हिसाब से आप हाईलाइट्स कर सकते हो, जैसे कस्टमर को चाहिए पतले मोटे के हिसाब से, मेरे को भी पतली करनी थी इसलिए मैंने पतला लिया। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। मिक्सिंग अच्छे से करनी है और अप्लाई जो है वो भी अच्छे से करना है, जैसे कि अभी देख रहे हो प्रोडक्ट बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है एक एक बाल। कभी काफ़ी लोग होते हैं कि बाल इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा नहीं करना हमें, ठीक है? प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है।
और इसी को फॉलो करना है। अब जो मैम का मैं कर रहा हूँ वो हाईलाइट का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। नॉर्मली हाईलाइट जो होते हैं 20 से 25 होते हैं, बट मैम का मैं कम से कम 70 नहीं तो 60 हाईलाइट्स करने वाला हूँ, 60 फॉइल बांधने वाला हूँ, जिससे कि बिल्कुल हाईलाइट विजिबिलिटी हो, अच्छे से दिखे। तो हाईलाइट की क्वांटिटी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ मैम, वो आप अपने कस्टमर के हिसाब से आप कर सकते हो। अब हम पूरा कर रहे हैं अप्लाई करने के बाद, आगे देखो ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते रहो। ये फाइनल फॉइल है, ये हमने पूरा ऑल ओवर अपने हाईलाइट हमने बांध दिया है, आप देख सकते हो। पूरा हाईलाइट बांधने के बाद अब हम इस पर हम करेंगे ग्लोबल। ये हो गया हमारा कंप्लीट हाईलाइट का जो है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब जो हेयर बच गया हम उस पर ग्लोबल करेंगे, ठीक है ओके। अभी हम बेस जो मैम का 5 नंबर लिए हैं और फैशन शेड लिए हैं 6.3 है, ठीक है। 6.3 सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए देंगे ताकि थोड़ा रिफ्लेक्ट बेटर करें, हम कभी भी सिर्फ सिंगल बेस नहीं करते, इसीलिए हम थोड़ा सा ले रहे हैं। ये दोनों मिक्स करेंगे, मिक्सिंग रेशियो जो रहेगा बेस का रहेगा 80% और इसका रहेगा 20%, और मेजर का मिक्सिंग रेशियो आपको पता ही होगा 1:1.5 है, ठीक है। तो अभी हम मिक्स करके ग्लोबल अप्लाई करेंगे, चलो लेट्स गो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और जब भी आप लोग ग्लोबल अप्लाई करो तो बिल्कुल केयरफुली अप्लाई करना है, क्योंकि काफी लोग होते हैं ना कि पहले हाईलाइट बांध देते फिर हो नहीं पाता है, तो पहले क्राउन एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। A few moments later. तो हो चुका है मैम का कंप्लीट, हमने ग्लोबल कर दिया है। ओके। ये फाइनल है ग्लोबल, मैं ऑल ओवर पूरा कर चुका हूँ अभी कंप्लीट। अब इसको हम छोड़ेंगे 35 मिनट्स के लिए, क्योंकि मैम का ना बीच बीच में ग्रे हेयर भी है तो वो भी कवर करना है, तो वो छोड़ना जरूरी है। ठीक है। 35 मिनट्स का वेट करेंगे फिर हेयर वॉश करेंगे, ठीक है। मैम का वॉश कर रहा हूँ, पहले जो हमने ग्लोबल किया उसको अच्छे से निकालेंगे, उसके बाद फिर फॉइल निकालेंगे, ठीक है। A few moments later. रिंस करने के बाद हमने शैम्पू लिया है और शैम्पू अच्छे से करना है एक बार। डिपॉजिट करने जा रहा हूँ जो हमने हाईलाइट बांधा था उस पे, ठीक है। अभी हमने ग्लोबल वगैरह सब कुछ हो गया, बस 8.3 रिफ्लेक्शन के लिए डाल रहे हैं, ताकि जो हाईलाइट हो रखा है ना, हमने इनका भी लाइट किया था तो उस पे प्रॉपर कलर आते नहीं, तो हम रिफ्लेक्शन के लिए 8.3 हम डालेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए कलर रखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रहना, 20 वॉल्यूम के साथ मिक्सिंग करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट अभी मेरे पास ये ऑप्शन है तो मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ। A few moments later.
A few moments later. ये हो चुका है फाइनल लुक मैम का, और हमने जो अभी ग्लोबल प्लस हाईलाइट किया, तो ये है फाइनल रिजल्ट। और अभी मैम से भी पूछेंगे कैसा लगा आप सब लोग को, और वीडियो देखने बाद आप लोग भी कमेंट करना कैसा लगा आप लोगों को। लोग मैम आप बताइए आपको कैसा लगा ये? मुझे बहुत अच्छा लगा, दो कलर मैं चाहती थी एक्चुअल में, वही कलर आया है, आई लव इट। ओके मैम थैंक यू, थैंक यू। और आप सब लोग वीडियो को पूरा शेयर कर दो, वायरल कर दो हर जगह से। और मैम आप भी कुछ कहना चाहोगे? लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो।